please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. मेरी किस्मत के हर एक पन्ने पे मेरे जीते जी बाद मरने के मेरे हर कल हर एक लम्हे में तू लिख दे मेरा उसे हर कहानी में सारे किस्सों में दिल की दुनिया के सच्चे रिश्तों में जिंदगानी के सारे हिस्सों में तू लिख दे मेरा उसे ऐ खुदा जब बना उसका ही बना ऐ खुदा जब बना उसका ही बना ऐ खुदा जब बना उसका ही बना उसका हूँ उसमें हूँ से हूँ उसी का रहने दे मैं तो प्यासा हूँ है दरिया वो जीने का मेरे मुझे घर दे गली दे शहर दे उसी के नाम के कदम ये चले या रुके बस उसी के नाम के दिल मुझे दे अगर दर्द दे उसका पर जिसकी हो ये जमीन ढूंढे जो उसका घर घूम जाता है जब तुम आ जाते हो। अजी क्या बात है, आपकी मुस्कुराहट आपका राज यही है कि आप जब कैमरा डालते हो तो लगता है कि समस्या यहाँ है वहाँ है कहाँ है। जी हाँ पाजी, रोज शाम की तरह आज एक बार फिर भैया जी कहीं में आपका स्वागत है। तमाम सारे लोग, कल एक फोन आया था रामपुर से, वो लोग आज यहाँ पहुँच गए ट्रेवल करके। BTC के लोग हैं जो यहाँ पर आए हैं अपनी बात कहने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ खड़े हुए हैं, मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। तमाम वो लोग जो अपनी बात कहना चाहते हैं, ट्रैवल करते हैं, रुकते हैं, मेट्रो स्टेशन है, यहाँ पर अपनी बात कहते हैं। ऑफ कोर्स पूरे देश भर से लोग किनॉट प्लेस के आसपास से गुजरते हैं, जो भी यहाँ पर मिल जाता है मौजूद होता है। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, तशरीफ़ रखिए। जी जी जी, तो तशरीफ़ रखिए जी, और अपनी बात कहते हैं वो। तो आज हम अपनी बात यहाँ पर रखेंगे, लेकिन बातचीत से पहले अपना सवाल रखेंगे। सवाल जो है बेहद सीधा सा, सरल सा। आलोक जी हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, अपनी बात कहने के लिए। हमारे साथ यहाँ पर नवीन कुमार जिंदल साहब मौजूद हैं, BJP के, अपनी बात कहने के लिए। हमारे साथ मसूद हाशमी साहब मौजूद हैं, इत्तेहाद पार्टी सोसाइटी से। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन इससे ज़्यादा जनता मौजूद अपनी बात कहने के लिए। आज का सवाल जो है सीधा सा, सरल सा, और वो ये, जस्टिस पूर्व चीफ जस्टिस केयर ने कहा, और उसी पर सवाल है कि क्या धर्म की राजनीति भारत के विश्व गुरु बनने की राह में बाधा है। धर्म की राजनीति जो हो रही है, इधर काटो उधर मारो, मतलब इधर हिंदू उधर मुसलमान, और ये बात रोज लगभग शो में आती है कि ये सब बंद होना चाहिए, ये हिंदू मुस्लिम नहीं होना चाहिए। और मैंने तो कल भी कहा था कि इस बात को मीडिया को भी, जब मैं कहता हूँ कि आईना देखना चाहिए, तो मैं ये कहता हूँ कि मुझे भी आईना देखना चाहिए, और ये बात निश्चित तौर से बंद होनी चाहिए, और बात कहीं कुछ और होनी चाहिए। लेकिन ठीक है, जो मैं कहता हूँ अक्सर, ये मुट्ठी का मुद्दा है, लेकिन हाँ, जनता अपनी जगह है और जनता अपनी बात कहती है, मैं उसकी तरफ भी मुखातिब होऊंगा। तो बात की शुरुआत करता हूँ, सवाल मैंने रख दिया है, बातचीत के सिलसिले को जोड़ूंगा। मैं आता हूँ गुरु, आता हूँ। इधर कोई कहना चाह रहा था बात अपनी, कोई रखना चाहेगा? चाह ठीक है, चलो मैं आता हूँ तुम्हारे पास। चलिए साहब, मैं आता हूँ, मैं बाबू जी आता हूँ आपके पास। हाँ जी,
भीमा कोरेगांव की जिस तरह से घटना हुई है और जो उसे राजनीतिक रंग देने की कोशिश करी जा रही है वो बिल्कुल अन्याय है, क्योंकि भीमा कोरेगांव की घटना जो है वो अंग्रेजों और मराठाओं के बीच का संघर्ष था, जिसमें कि अंग्रेजों की तरफ से महार जाति के लोग अधिकतर संख्या में अग्रिम मोर्चे पर लड़े थे और बाजीराव द्वितीय की सेना में अग्रिम मोर्चे पर मुस्लिम थे। उसको अगर दलित और अगणों की लड़ाई के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है तो ये सरासर अन्याय है और ये कांग्रेस गलत कर रही है, ये देश के लिए घातक सिद्ध होगा। जी ठीक है, आपके विचार को मैंने सुन लिया। ये बात मुद्दा आया था कुछ दिन पहले, मैंने मुंबई में शिवाजी पार्क से शो भी किया था। जी आप क्या कह रहे थे जब ये बोल रहे थे? मैंने कहा कि क्वेश्चन ये था कि धर्म के नाम पर जो ये हिंदुस्तान को जो आप लोग ये कह रहे हैं कि बाधक है कि नहीं विश्वगुरु बनने में, तो मैं कह रहा हूँ कि हिंदू धर्म विश्वगुरु बनने में एक ही मात्र उपाय है, दूसरा कोई नहीं। ऋग्वेद, सामवेद, यथर्वेद, यजुर्वेद मैंने दिया था, इससे पहले कुछ था क्या? आज मैं जो हूँ उसी के आधार पर हूँ। आप देख लें दुनिया का कोई इतिहास हमसे पहले ने बना, मैंने ही इतिहास बनाया है, मैंने ही धर्म शुरू किया है और मैंने ही इतिहास बनाना शुरू किया है। आज आप जहाँ हैं वो हिंदुस्तान के इसी धरती से हैं। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। आपने कहा कि जो मैं हूँ, यानी इससे पहले क्या था? कुछ नहीं था, यानी वेद हमने दिए, लिहाजा हिंदू और हिंदुत्व जो है वो बाधा नहीं है। अब सवाल यह है कि वेद, हिंदू, सिंधु, हिंदू क्या मिलता है या मैच खाता है, कहाँ खाई आती है, ये तमाम सारे सवाल खड़े होते हैं। आज आप बोलना चाहते हैं, बहुत दिनों से कोशिश कर रहे हैं मुझे मालूम है। अच्छा ये मुझे बताइए, आज तो मौका लग ही गया आपका, है ना? बहुत मुश्किल से लगा लेकिन लग गया। थैंक यू सर। तब कब इतना बोझा लाद के कहाँ से आते हैं आप? ये बीमे का काम है सर, बीमे का काम है, बीमे का काम करते हैं। हाँ, और वो प्रूफ रीडिंग का काम है निधि पब्लिकेशंस में। अच्छा बोलिए, जाए बोलिए, क्या बोलना चाहते हैं? ऐसा है ना, ऊपर ऊपर वाले ने इंसान बनाया, इंसान ने कंट्री बनाया, लेकिन हम सबको सबसे पहले अपने कंट्री की देश की परिधि में रहना चाहिए। ये नहीं कि गुण एक देश के, नमक एक देश का खाओ और गुण दूसरे देश के खाओ। हमने सबसे बात आपकी समझ गया, मतलब हिंदुस्तान में रहना है, पाकिस्तान की जय नहीं कहना, यही तो कहना चाह रहे हैं। और इसको 130 करोड़ हिंदुस्तानी जो ना जो भी मतलब देश के खिलाफ बोले उसको कुचल के रख देंगे। नहीं कुचलने की बात मैं समझ गया, मैंने सुन लिया, मैंने बात सुन लिया। जी जी मैं आ रहा हूँ, मैंने आपकी बात सुनी। जी 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 बाबू। सर मैं भारत के छोटे जिले से हूँ, जौनपुर जिले से। मैं यहाँ आया दिल्ली में, मैं सोचा यहाँ युवाओं के अंदर एक अलग जोश होगा, एक अलग उमंग होगा स्वच्छ भारत को लेके, लेकिन यहाँ मैंने आके देखा युवाओं ने जैसे ही जहाँ पे खाया वहीं पे फेंका। और आप जैसे रिपोर्टर मैं एक बार नहीं 100 बार सलाम करता हूँ सर, जिन्होंने उनका कूड़ा साफ किया, आपने अपने हाथ से फेंका उठा। आप जैसे रिपोर्टर सर एक नहीं 1,00,000 बार सलाम करता हूँ सर मैं। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, अगर हम सफाई नहीं करेंगे तो कौन करेगा? तो अपना करेंगे सफाई, जब यहाँ पे कूड़ा पड़ा था तो साफ कर दिया, ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन करना चाहिए, सबको करना चाहिए। जी जी भाई आप आ गए, आपके यहाँ से एक फोन आया था और आप रामपुर से कल फोन आया था, आप कहाँ से आए, परिचय दीजिए और बता दीजिए। सर मैं रामपुर से आया हूँ, मेरा नाम ब्रजेश है और आज का हमारा मुद्दा है 12,460 शिक्षक भर्ती। अच्छा। और हमारा सर ये उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है, उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है। और सर हमारा क्या है कि हम इससे मानसिक इतने प्रताड़ित हो चुके हैं, 1 साल से ये भर्ती रुकी पड़ी है और गवर्नमेंट बिल्कुल नहीं करना चाह रही है, जबकि हाई कोर्ट का भी आदेश आ चुका है बहाल कर, सारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, सारी ओनली नियुक्ति पत्र बटना था और गवर्नमेंट ने सरकार उसके पश्चात 18 मार्च को काउंसलिंग संबंधी समस्त प्रक्रियाएं पूर्ण कर ली गई, लेकिन उसके बावजूद अभी तक भर्ती नहीं हुई, अभी तक कोई ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिला है। मैं बंद हो सर, और हमें केवल युवाओं को रोजगार दिया जाए, इसी रोजगार दिया जाए 12,460 सहायक अध्यापक भर्ती पद। ये BTC के लोग जो कि उत्तर प्रदेश से आए हैं, रामपुर से पूरा, कल मैंने इनका सवाल रख लिया था क्योंकि कॉल आ गया था, तो इन्होंने ट्विटर के जरिए मुझसे सवाल रखवाया, कहा कि मैं अपनी बात कहना चाहता हूं आज, ये लिहाजा यहां पे उपस्थित, मैं आपका स्वागत करता हूं, आपका मुद्दे को मैंने रखा, निश्चित तौर से मैं आपसे बीच में बातचीत करते रहेंगे। आपका नाम? जी राजकुमारी हैं, मेरे मामा एक्चुअली जम्मू एंड कश्मीर से आए हैं, जम्मू कश्मीर से आए हैं, शो देखने आए हैं, हमारा शो देखने आए हैं, बहुत देखते हैं आपका शो, बड़ा अच्छा लगता है। जम्मू कश्मीर में रहते हैं? जम्मू कश्मीर में रहते हैं हम, जम्मू से हैं, प्रॉपर जम्मू से हैं, और काफी अच्छा शो है। अगर हिंदू और मुस्लिम की अगर बात की जाए, मैं उस स्टेट से बिलोंग करता हूँ जहाँ आधी स्टेट जो है हिंदू है, आधी मुस्लिम है, जी, बट वहाँ पे भी ये देखा जाए कि वहाँ पे ये डिविजन है,
हिंदू अपनी प्रायोरिटी देते हैं कि हिंदू राज्य जो जम्मू जो है अलग हो जाना चाहिए, कश्मीर जो है वो अलग हो जाना चाहिए, क्योंकि हिंदू जो मेजॉरिटी है वो जम्मू में ज़्यादा कश्मीर में ज़्यादा। बट प्रॉब्लम यहाँ आती है कि उनकी सत्ता के बीच में हम आम इंसान का क्या प्रॉब्लम है, हम लोग उनके बीच में क्यों पीसे। जब भी उनकी जॉब की बात आती है, जब भी उनकी क्राइटेरिया की बात आती है, वो एक लिस्ट बना देते हैं कि ये 12th बेस की, ये टीचर्स के लिए बोल रहे थे, हमारे वहाँ पे टीचर्स के लिए 12th मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है, क्योंकि मुस्लिम जो है ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है, वहाँ पे स्टोन पेनल्टीज वगैरह होती रहती हैं। बट जो जम्मू के युवा ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, वहाँ के जो लोगों को अभी तक जॉब नहीं मिल रही। तो आपको लगता है कि जम्मू के लोगों के साथ जो है वो डिस्पैरिटी है? बिल्कुल फ्री है, बिरला है। तो आपका बेटा है? पीएचडी की है, कुछ नहीं करता है, बिरला है। जी जी, कुछ नहीं है, कुछ काम हो जाएगा, हो जाएगा, उम्मीद रखिए हो जाएगा। इतनी दूर से इसलिए मैंने बोलने के लिए, मैंने कहा बोलने के लिए आ गई जम्मू से, आ गए जम्मू से बोलने। बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत है। आप इतनी ठंड तो नहीं है यहाँ पे ना? हाँ चलिए ठीक है सर। जीएसटी पे बोलना चाहूँगा, बीजेपी कहती आई है कि जीएसटी जो है फेल नहीं हुई है बल्कि पास हुई है, लेकिन अभी जो है उत्तराखंड में हल्द्वानी के रहने वाले प्रकाश पांडे, उन्होंने जहर खाया है खुद कह रहा हूँ बीजेपी कार्यालय में जाके, उस पे क्या बोलेंगे आप इनसे जो है, मतलब बताइए। ठीक है आपकी बात, मैंने आपकी बात रखी, एक मैंने बात रखी, नहीं बात रखी है, मैंने बात रखी जर, नहीं ऐसे डिक्टेट करके सवाल नहीं लेता मैं, सवाल ले लिया उसके बाद मैं बात करूंगा। जी बोला जी। मैं उत्तराखंड से हूँ। कहाँ से हैं आप? उत्तराखंड से, देहरादून से हूँ। उत्तराखंड, मैं आपका प्रोग्राम देखता हूँ भैया जी, कहीं यूट्यूब पे देखता हूँ। जी जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। आपका प्रोग्राम मैं देखता हूँ यूट्यूब पे। जी जी, मेरा एक ही सवाल है कि जिस प्रकार से हमारे समाज के लिए आरक्षण और हर प्रकार से जो भी आरक्षण लेकर के लोग उठ रहे हैं, ये फल फैला रहे हैं, ये आने वाले टाइम पे हमारे देश के विभाजन को और लेके जा सकते हैं और एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या पैदा हो सकती है। आपको लगता है कि आरक्षण की जो रेखा है खत्म करना चाहिए, आरक्षण की रेखा को खत्म करना चाहिए, देश को डिविजन की तरफ ले जाता है? बिल्कुल बिल्कुल जाए, क्योंकि सभी आरक्षण मांगेंगे तो सरकार को इसके बहुत गहरे नुकसान हो सकते हैं, उसको भुगतने के लिए भी तैयार होना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से ये आरक्षण ही नहीं बल्कि अलग। जी तो ये तमाम मुद्दे, इन तमाम मुद्दों के बीच में वो सवाल जिसको कि मैंने अपने साथ रखा था, इधर जो कोई बात सवाल होगा मैं ले लूंगा, जरूर बातचीत करूंगा, लेकिन जो आज का सवाल था वो ये कि क्या धर्म की राजनीति भारत को विश्व गुरु बनने की राह में बाधा है, ये सवाल रखा था और इस सवाल पे मैं बहस की शुरुआत करना चाहूंगा। लेकिन सबसे पहले मैं प्रोफेसर रागी, जो हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, प्रोफेसर रागी हमारे साथ मौजूद हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं और आरएसएस की विचारधारा को मानने वाले, आज विचारधारा से सहमत, वो आज यहाँ पे हमारे बीच में मौजूद हैं। मैं आपका स्वागत करता हूँ। सबसे पहले ये जानना चाहता हूँ, जो पूर्व जस्टिस खेर ने बात कही और उन्होंने कहा कि हिंदुत्व की राजनीति भारत के हित में नहीं है, मैं जानना चाहता हूँ आपके विचार। देखिए, भारतीय धर्म, हिंदुत्व और राष्ट्रवाद, ये तीनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, इनमें कोई अंतर नहीं है। महर्षि अरविंद ने कहा कि सनातन धर्म ही भारत का राष्ट्रवाद है। भारत की जो संस्कृति है वो मूलतः हिंदू संस्कृति है और वो हिंदू संस्कृति जो है वो हिंदू धर्म का ही एक पर्याय है, और चूंकि हिंदू धर्म और हिंदू संस्कृति दोनों एक दूसरे के समानार्थी हो जाते हैं और संस्कृति निष्ठ ही जो ये इस देश की आत्मा है, वही इसका प्राण तत्व है, वही व्यापक है, उसके डिफरेंट डिफरेंट सेक्ट्स हैं, लेकिन वह मूलतः हिंदू संस्कृति है और हिंदू संस्कृति वो संस्कृति है जो ये मान करके चलती है जो सबको अपना ले वही हिंदू है, जो किसी का तिरस्कार नहीं करे वही हिंदू है, जो किसी को नाकार दे वो हिंदू नहीं है, जो सबको अपना ले वही हिंदू है। तो वो ये दुनिया कहते हैं। में सुन लीजिए, दुनिया में एक अकेला ये देश है और अकेली ये संस्कृति है जो दुनिया के पूरे पर्सिक्यूटेड कम्युनिटी है सबको आश्रय दिया है। ये इस्लाम की तरह नहीं है, क्रिश्चियनिटी की तरह नहीं है कि यदि आप जो है अल्लाह को मानेंगे तभी आप स्वर्ग में जाएंगे, बाइबिल को मानेंगे, क्राइस्ट को मानेंगे तभी जाए, यहाँ हर कोई पूजा पद्धति के लिए स्वतंत्र है। आप जब अपनी बात कहते हैं, मैं बता रहा हूँ यही उसका प्राण तत्व है, चूंकि दूसरे अवयव ऐसे हैं जो कहते हैं कि नहीं इसी रास्ते से हमारा सेलिब्रेशन होगा, वह अपसंस्कृति है, वह कुसंस्कृति है, वह हिंदू संस्कृति के साथ मेल नहीं खाता है और इसीलिए उसका विरोध जारी है। आप कहते हैं, मैंने पूरी बात सुनी आपकी, दस सेकंड देखिए, हम सब के हाथ, कान, नाक, मुंह सबके हैं, हम सब मनुष्य हैं,
लेकिन हम सबकी पर्सनालिटी अलग अलग है। हर देश की जुडिशियरी है, लोकतंत्र है, वहां पर ने कहा मैं कि रोज मारे जा रहे हैं 500 रुपए के लिए और अल्लाह के नाम पर मारे जा रहे हैं। मैं आपसे ये कहता हूँ दूसरों को एक्सेप्ट नहीं करते। आपसे प्रोफेसर रागी संस्कृति नहीं है। मैं देखिए भारत की संस्कृति वो है, मोनोलॉग हो जाएगा। डायलॉग की बात है, डायलॉग होना चाहिए, मोनोलॉग नहीं होना चाहिए। मैं ये जानना चाहता हूँ, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आखिर जब ये बात आप कहते हैं, वो ये कहते हैं कि विश्व गुरु के बनने में आपको बाधा है, जब आपके यहाँ मुस्लिम परेशान है, क्रिश्चियन परेशान होगा, तो आप अब दूसरे क्रिश्चियन देश में जाएंगे या मुस्लिम देश में जाएंगे तो कैसे अपनी बात रखेंगे? देखिए, मुस्लिम परेशान अपने कारण है, सीरिया में आ रहे हैं। मैं आया, ऑफ कोर्स, नहीं है, जॉर्डन में आरएसएस नहीं है, अफगानिस्तान में आरएसएस नहीं है, वो अपने आप को मार रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि अपने कारण से परेशान है, ये बात पूर्व जस्टिस खेर से शुरू हुई थी, मैं जानना चाहता हूं आपके बात। जी देखिए, बात जो हिंदुइज्म के बारे में जो बात हुई, जो प्रोफेसर साहब ने यहाँ पर कहा, हम भी उसी हिंदुइज्म को जानते हैं। जो प्रोफेसर साहब ने कहा, मैं बिल्कुल इनकी एक एक बात को सेकंड करता हूँ कि हिंदुइज्म के अंदर किसी को मारना, किसी को तकलीफ पहुँचाना, किसी को दुविधा देना ये नहीं है। लेकिन ये सवाल जो आज चीफ जस्टिस साहब ने उठाया वो क्यों उठाया? पूर्व जस्टिस ने जो उठाया वो क्यों उठाया? क्योंकि आज अनफॉर्चुनेटली कुछ लोग हिंदुइज्म का बैनर लेके, हिंदुइज्म का खंजर लेके, हिंदुइज्म की तरवाल लेके वो बातें करना चाह रहे हैं जो हिंदुइज्म में नहीं है, जो हिंदुइज्म के देवी देवताओं ने नहीं बताई, जो गीता में नहीं है, जो वेद में नहीं है, वो बातें वो लोग कर रहे हैं और हिंदुइज्म का नाम लेके कर रहे हैं। इस वजह से ऐसी सूरत हाल पैदा हो गई हिंदुस्तान के अंदर कि आज ये बात कहनी पड़ रही है। जी हाँ, आप कह रहे हैं पूर्व चीफ जस्टिस ने ये बात कही, लेकिन मैं कहता हूँ कि जब तत्कालीन चीफ जस्टिस जेएस वर्मा साहब सीट पर बैठे थे और उन्होंने जजमेंट में लिखा, अब जो खेर साहब ने किस अभिलाषा से क्या कही मैं उन पर छोड़ देता हूँ, मुझे मालूम नहीं है क्या उनकी इच्छा है। उनकी बात कही, सरल सी बात कही जो मौजूदा समय में हो रहा है, उन्होंने कहा वो देश के हित में नहीं है। अभी की बता रहा हूँ, जस्टिस जेएस वर्मा साहब ने सुप्रीम कोर्ट में अपने जजमेंट में लिखा, उन्होंने लिखा हिंदुइज्म इज अ वे ऑफ लाइफ, इट्स कल्चर ऑफ दिस कंट्री, इज नॉट ए रिलीजन। ये उन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में लिखा है। तो भैया, बात उन्होंने कही संस्कृति, जब जब हम कह रहे हैं ये बात, जब उन्होंने तस्दीक की, लेकिन इन्होंने कहा कि मौजूदा समय में जो हो रहा है उसके लिए आप हमको दोषी क्यों मान रहे हैं? अभी मेरे को आज से आधा घंटा पहले एक चैनल पर अभी डिबेट में उन्होंने कहा 1200 लोग उत्तर प्रदेश में बदमाश मारे, अभी मारे कुछ 6 महीने में योगी सरकार ने, तो ये कहा गया कि आप दलितों को, मुस्लिमों को और छाट के मारे, ये कौन सा तरीका हुआ? हम जब काम कर रहे हैं तब आप उनको डिफाइन करते हैं दलित, क्या बदमाश के माथे पे लिखा है कि वो दलित है, मुस्लिम है, हिंदू है, क्या? बहुत अच्छी बात इन्होंने कह दी है। आप यहाँ से बताइए मुझे कि साहब, आप ये कहते हैं कि जब मैं बदमाशों को मार रहा हूँ तो आप कैसे आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये दलित है, ये मुस्लिम है? माथे पे नहीं लिखा, मैं तो काम कर रहा हूँ। मैं नहीं समझता कांग्रेस ने कहीं पर भी दलित और मुस्लिम के नाम पर कुछ कहा है। मुझे लगता है कि दलित हो, मुस्लिम हो, बदमाश बदमाश होता है। और मैं तो थोड़ा सा ज्ञानी व्यक्ति हूँ, हिंदुत्व क्या है क्या नहीं है मुझे बहुत ज़्यादा नहीं पता है, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि हिंदुत्व किसी दूसरे धर्म को गलत कहे, दूसरे धर्म को ये कहे कि उसमें अपसंस्कृति है, कम से कम हिंदुत्व में और सनातन धर्म में इतना नहीं है। उनका कहने का आशय ये है कि आज हम विश्व गुरु बनने की बात करते हैं। एक अभी टीवी चैनल ने दिखाया कि किस तरह से तमाम टीचर्स के पद खाली पड़े हैं। ये अभी 12,000 के करीब यूपी से जो टीचर्स हैं, प्राथमिक टीचर, ये कह रहे हैं कि एक साल से हमें नौकरी का अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिल रहा है। लेकिन भाइयों, बहनों, मित्रों, हमें विश्वगुरु बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? अरे भाई, भाषणों से विश्वगुरु बनेंगे क्या? हम एजुकेशन पर क्या कर रहे हैं? हर 2 साल में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आती है, 3.5 साल से 4 साल हो गए केंद्र सरकार में, एजुकेशन पॉलिसी नहीं है। आप मुझे केवल 1993 में जो पार्लियामेंट्री एक्ट के तहत जितनी बॉडीज बनी, उनमें जो मेंबर कांग्रेस के समय में बने थे उनको बदल भी नहीं पाए ये लोग। इनके पास कौन लोग हैं? आरएसएस के लोग हैं। अब जस्टिस केयर साहब आरएसएस से बड़े तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि आरएसएस तो सत्तासीन है, जो उन्होंने कहा आरएसएस के अनुसार वो पूरी भारत के सुप्रीम कोर्ट के एक पूर्व न्यायाधीश ने केरला में अभी हाल ही में कहा कि इस देश को 4 ताकतें बचा रही है, इस देश की मीडिया, इस देश का लोकतंत्र का आधारभूत संस्था है जिसमें पार्लियामेंट भी है,
जुडिशियरी भी है और एक और ताकत है प्रेस के अतिरिक्त, वो है आरएसएस। तो आप सोच सकते हैं कि क्या बहस को आगे बढ़ाएंगे, बहस को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन वक्त है बड़ी खबर की तरफ, बड़ी खबर की तरफ रुख करेंगे, लौटेंगे बहस को। भैया जी कहिन, भैया जी कहिन।